कल सुबह चाहे जो हो जाए लाल चौक वाले कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन जरूर कर लेना। हमारी मम्मा भी ना पूर्णिमा के आरती के लिए लाल चौक वाले कृष्ण मंदिर जाती थी। मम्मा कल भी जाएगी। बच्ची रुको, गाड़ी आ रही है। आप कौन? ये सूची शर्मा का घर है ना? हाँ। देखिए चोपर उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाना जल्दी से चलिए। कुछ नहीं होगा हमारी सूची को, धीरज धरो सरिता, कुछ नहीं होगा। नर्स, खून बहुत बह गया है, खून चाहिए। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका है? ए पॉजिटिव हमारा है। आइए आप मेरे साथ। होगा तो नहीं ना? हम हमारी बच्ची को आपके पास भेजे थे, कुछ नहीं होगा, वो आपकी शरण में थी, आपसे कुछ नहीं होने देंगे। प्रभु मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो।
बच्ची को उठाना, मेरी बच्ची को उठाना। आंटी आपने गोपाल को प्रेम मत कीजिए, गोपाल ने हमारी मम्मा से मैं अलग कर दिया है, वो भी कितनी पूजा करती थी गोपाल की, बहुत पूजा करती थी हमारी मम्मा। गोपाल बहुत गंदा है, उसने हमारी मम्मा से नहीं मिलवाया, हमें नहीं मिलवाया, और पूरी को भी अलग कर देगा। गोपाल तुम बहुत बुरे हो, तुम कभी हमारी हेल्प नहीं करते हो, कभी नहीं, तुम्हारी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। गोपाल तुम्हारी मम्मा कहाँ रहती है? वृंदावन में। क्यों? हम तुम्हारी मम्मा को तुम्हारे बारे में कंप्लेन करने जा रहे हैं, तुमने जो कुछ भी किया है हम बताएंगे तुम्हारी मम्मा को। अरे अरे पियू रुको तो, अरे मेरी बात तो सुनो पियू। गई कहाँ थी वो? शबको मंदिर गई थी। आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं पहले? और चेहरे पे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना सुची के? हमारा मतलब है सुची को ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? ऑपरेशन चल रहा है, बहुत खून बह चुका है। खेल खेलेगी, सुच्ची तुम्हें देख पाएगी। सच्ची? गोपाल पुपुरी के मर जाएगी, भूत बनने की बात है, मैं देख पाएगी। गोपाल बताओ ना, गोपाल बताओ ना, गोपाल अगर पुपुरी हमें नहीं भी देख पाएगी ना तो चलेगा, पर तू बुरबुरी को मत पारना, प्लीज गोपाल तुम मत पारना बुरबुरी को। हमारे हाथ में कुछ नहीं है पीहू, तुम भगवान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम जैसे हमें मारा है वैसे बुरबुरी को मत मार देना गोपाल, प्लीज गोपाल प्लीज। हमने किसी को नहीं मारा पीहू। तो लोग क्या अपने आप मर जाते हैं गोपाल, हम क्यों नहीं जी पाते है, हमें क्यों मरना पड़ता है गोपाल, बताओ ना गोपाल। आत्मा तो हमेशा ही जीवित रहती है पीहू, मरता तो सिर्फ उसका शरीर है, और तुम भी मरी नहीं हो, तुमने बस अपने शरीर को छोड़ दिया। शरीर क्यों छोड़ते हैं? शरीर छोड़कर तो हम अपनी मम्मा से अलग हो जाते हैं, मम्मा भी सुन भी नहीं सकती, देख भी नहीं पाती है वो हमें, क्यों छोड़ना पड़ता है शरीर गोपाल, बोलो ना। तुम अपने पुराने कपड़े क्यों छोड़ देती थी? शरीर भी आत्मा का वस्त्र है पीहू, कपड़ा है वो, जब वो पुराना हो जाता है या खराब हो जाता है तो हमें उसे छोड़ना पड़ता है। नहीं गोपाल प्लीज, तुम बुरबुरी से उसके शरीर मत ले लेना, उसको हमारी तरह मरने मत देना गोपाल प्लीज, वो बहुत अच्छी है, उसको भूत मत बनने देना प्लीज गोपाल प्लीज। कौन कितना जिएगा, कब तक जिएगा, इसका निर्णय नहीं हमारे हाथ में, नहीं तुम्हारे। ये कहानी कोई और लिख रहा है पीहू? कौन कौन लिख रहा है गोपाल कौन? बोलो ना गोपाल। बोलो ना गोपाल।
लिख रहा है, नियति लिख रही है। देखिए पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, तेज चोट लगने की वजह से यूट्रिन प्रोलैप्स होने के चांसेस लग रहे हैं, यानी कि अगर अब जरूरत पड़ी तो उनका यूट्रस निकालना पड़ेगा, वरना हैवी ब्लीडिंग की वजह से उनकी जान को बहुत खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए यूट्रस मतलब बच्चा दानी निकालने की जरूरत पड़ सकती है। आप लोगों की परमिशन चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वी हैव वेरी लेस टाइम, हमारे पास समय बहुत कम है। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, एक लड़की मां नहीं बन पाएगी तो पूरी जिंदगी कैसे रहेगी, वंश आगे कैसे बढ़ेगा, समाज को क्या जवाब देगी वो। डॉक्टर साहब कोई और तरीका तो होगा सुच्ची को बचाने का। देखिए हमारे पास ऑप्शन और टाइम दोनों बहुत कम है। डॉक्टर आप बस हमारी बच्ची को बचाइए। हमारी सुची को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, बस। आनन फानन में कोई फैसला मत लीजिए शंभू जी, कल सुची को पता चलेगा कि वो माँ नहीं बन सकती तो क्या बीतेगी उस पर। वैसे भी औरत का बच्चा ना पैदा कर पाना जिंदगी भर का श्राप होता है। बच्चा 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 बच्चा, कौन से बच्चे की बात कर रही हैं आप, जो है ही नहीं। अब हमारी बच्ची की जान खतरे में है और उसे बचाने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर साहब चाहे कोई सिचुएशन हो आप पहले हमारी सुच्ची को बचाइए। नर्स फॉर्म दो इनको। देखिए बच्चेदानी नहीं निकलेगी, ये हमारा आखिरी फैसला है और हमारा फैसला भी मायने रखता है। ऋषभ समझाओ ना अपनी मां को। देखिए मम्मी जी डॉक्टर को एक कोशिश तो करने दीजिए, क्या पता सब ठीक हो जाए, सुची ठीक हो जाए। हम जानते बुलबुल ठीक हो जाएगी और ठीक होने के बाद हमसे जरूर मिलने आएगी, हम जानते हैं। आप लोग भी ना देखिए यहां जो कुछ भी हो रहा है ना हमारे फैसले के खिलाफ हो रहा है। हम कह देते हैं अगर बच्चेदानी निकालनी पड़ी तो क्या नहीं, हम जानना चाहते हैं तो क्या कर लीजिएगा आप, रिश्ता तोड़िएगा,
अरे वो तो हम अभी इसी वक्त आपसे तोड़ रहे हैं। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी? उल्टी सीधी बात? अरे वो तो तुम्हारी माँ करती आई हैं अब तक, तुमने उनसे कभी नहीं पूछा? सरिता बस भी करो, अब आप हमें मत रोकिएगा। अरे जिस औरत के लिए हमारी बच्ची की जान से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, समाज क्या बोलेगा, ऐसे घर में हम अपनी बेटी बिल्कुल भी नहीं देंगे। अरे जो उसकी जिंदगी के साथ आज ऐसा फैसला कर रही है, कल पता नहीं क्या हश्र करेगी उसका। वाह वाह, देखो समदन के साथ कैसे पेश आ रही है। तू तड़ाक पर उतर आई तुम, अब आया नहीं इस औरत का असली रूप उभर कर। शुक्र मनाइए विमला जी कि ये पहले नहीं आया, और जिस लीचरपन से आप हमारे साथ पेश आती रही हैं, हर एक बात में नए डिमांड, दहेज, हर एक छोटी गलती पर ताने, झगड़ा, और हम सहते गए ये सोचकर कि एक बार हमारी बेटी का घर बस जाए। लेकिन अब नहीं, ऐसे घर में तो हम अपनी बेटी का रिश्ता बिल्कुल भी ना करें। मम्मी जी बस, अब आप बदतमीजी कर रही हैं, माँ है ये हमारी। वाह, यानी कल तुम हमारी बेटी से भी ऐसे ही बात करते ना? ये रिश्ता आप नहीं तोड़ सकती। ये रिश्ता हम तोड़ चुके हैं। क्योंकि शादी तुम लोगों की रिश्ता नहीं, एक व्यापार था। अपनी सारी इरादे पूरी करने का अपना घर बर्बाद करने का। लेकिन ऐसे घर में हम अपनी बेटी नहीं देंगे। संकल्प, दोनों से कह दो कि यहां से दफा हो जाए। चलो ऋषा। Вот тут.